गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वापस आ गए हम एक नया व्लॉग लेके। तो रेडी तो हो गया हूँ, अब निकलूँगा, फिर देखते हैं आज कहाँ जाते हैं। हम बता ही देंगे आपको जहाँ भी जाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आ गए फिर से मंडे को फंडे करने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आज हम लोग जा रहे हैं रामझूला, लेकिन ट्रैफिक वाले रास्ते से नहीं, ये वाला रास्ता हमारा, ये बैराज की साइड वाला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है, डेंजरस है ना ये, लेकिन हम खतरों के खिलाड़ी हैं तो हम यहीं से जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा, ये देखो गाइस, रास्ता देखो। जंगल, यहाँ से शेर भी आ सकता है। कभी जाना हो तो ध्यान से जाना, और रात में तो जाने की कोशिश मत करना। अच्छा, नहीं तो फिर यो, यहाँ पे बहुत सारे मोड़ है और हरियाली हरियाली है, और कुछ ज्यादा ही हरियाली है। इतनी हरियाली है कि देख के डर लग जाएगा। ये इतनी छोटी रोड है, बहुत छोटा। देखो भाई जंगल, हम लोग आए हैं जंगल में मंगल करने। क्या बात कर रहे, चैन कुली की, मैन कुली की चैन। यहाँ से अगर नीचे गिरे तो आपको पापा जी भी नहीं बचा पाएंगे, आपको सनी देओल भी नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए इस रास्ते पे जब भी जाने का एकदम सेफ ड्राइव करने का, ओवर स्पीडिंग नहीं करने का, ओवरटेकिंग नहीं करने का। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? मेरी तरह सेफ ड्राइविंग करने का, भैया की तरह तो बिल्कुल ड्राइव नहीं करने का। करा ली बेइज्जती? नहीं वैसे भैया सेफ, सच में सेफ करते हैं यार, सेफ ड्राइविंग नहीं करते। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को बैग वजह से चोट लगी। मेरी वजह से भी आज तक इनको नहीं लगी है, जबकि मुझे आती नहीं है चलानी तब भी। अभी हम यहाँ पे शेर ढूंढने आए हैं। मस्त प्लान है। फिलहाल वैसे तो हमारा शेर है, अभी वो काम कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे असली शेर ढूंढने आए हैं। अब हमारा शेर कौन है ये तो भैया को पता है। पता है आपको मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? गोल 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 गोल, आगे स्लोप है तो धीरे चलाना है। और फाइनली इतनी सारी मुड़ी हुई रोड के बाद हमें एक सीधी रोड मिल गई है, जो फिर से मुड़ने वाली है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सेकंड की सीधी रोड है, ये देखो अपना ऋषिकेश। देखोगे क्या, मुझे खुद नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। व्यू देखो गाइस, व्यू कितना, सब कुछ दिख रहा है ऐसे, पूरे ऋषिकेश दिख रहा है हमको। कितना अच्छा लग रहा है यार ये। अरे बहुत, ये रास्ता खत्म का है, नहीं होता है बे। कैसा रास्ता है, खत्म ही नहीं होता है। बड़ा ही बोरिंग रास्ता है ये तो, ये इतना लंबा रास्ता है, इतना लंबा रास्ता है, इसको देख देख के चक्कर आ गए मेरे को। बताओ ऊपर से गोल 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 गोल, इतनी हाइट पे हम गाइस, देखो हाइट देख रहे हो गाइस, ओह बहुत हाइट है सच्ची में। यहाँ पे आज हम सच में बहुत ऊंचाइयों में पहुंच गए हैं।
ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। बस एक मीटर रह गया आसमान और ऊपर ये देखो, बस ऐसे हाथ उठाएंगे तो अभी चल जाएगा। क्या बात कर रहे? मेरे को ऐसे ही पसंद है, इसलिए मेरे को अपना उत्तराखंड पसंद है। जो नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे है ना, हाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ। ऐसे ऐसे गोल गोल रास्ते उसमें जाके आदमी को चक्कर आ जाए। ये देखो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये गहरी खाई जहाँ पे गिर के आप अपनी हड्डियाँ थोड़ा खा सकते हो। लेकिन जो भी है यार, सुकून यही है, मजा आ गया। और भैया को अभी अभी याद आया है कि लक्ष्मण झूला बंद है, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर भैया को थोड़ी देर और बाद याद आता तो हम थोड़ी देर और बाद वापस जाते। ओके गाइस, फाइनल हम आखिरकार इतनी धूल मिट्टी को झेलने के बाद हम लोग वापस से आ गए हैं बराज नी, वही जगह। आखिरकार इस धूल मिट्टी से सुकून मिल गया हमको। अब हम जा रहे हैं अपना मैगी खाने, क्योंकि धूल मिट्टी ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। इसलिए गाइस देखो, अकेले अकेले मैगी खा रही है। पूछा था कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या अकेले अकेले मैगी खा रही है? पूछा था कि नहीं ये आप भी खाओगे क्या? मैगी अकेले अकेले खाई जा रही है, देख रहे हो? क्या करूं मैं, मर जाऊं? चटोरी, मैगी की चटोरी आप पहले खा चुके हो। हाँ गाइस, आपको ये दिख रही है दूसरी कोई प्लेट? चीटिंग करता है तू। बोल रहा हूँ ना, प्लेट हाथ में पकड़ के ऐसे पीछे करके रख दी थी। नहीं नहीं, तब तो कोई नहीं होता। तो निकल गए गाइस हम वापस से। तो बच्चों भी हो गए छुट्टी, हमारी भी हो गई छुट्टी, हम घर आए घर घर जाते जाते हमें बीच में बहुत ही जरूरी काम करना है। आज अपनी नई कुर्ती पहनी, इसलिए आज मैं अपना और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद तो फिर मर गया। अब क्या सोच रहे हो आप, आपको डांस करके दिखाएंगे भैया? वैसे भी डांस आता नहीं है। ये आ गया मेरा फिर से रोलर कोस्टर। रोक दिया स्कूटी और अब हमारा होने वाला है फोटो शूट। हमारा क्या मेला होने वाला है, मैंने पहनी है नई कुर्ती इसलिए। तो गाइस फोटो शूट हो गया मेरा, एक दो फोटोज, एक ही दो ही लिया क्योंकि अभी घर भी जाना है लाल के लिए। तो पुलिस वाले हमारे पीछे फिर से लग गए हैं, वो
तो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है। और अब निकल गए वापस हम घर के रास्ते पे। भाई टायर में क्या देख रहा है तू ऐसा? भैया आपको कुछ पीना है? नहीं पीना है, चलो करवा ली बेइज्जती। मस्त प्लान है। हर रोज स्कूटी पे जाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं भैया। देख रहे टैलेंट कितना भरा है इंडिया में। सीट गरम हो रही थी तो उस बंदे ने और गाइस फाइनली हम पहुंच गए घर। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है क्योंकि अब घर आ गया है, सॉरी हम घर आ गए हैं, घर नहीं आए हैं बिल्कुल भी, क्योंकि घर के पैर तो होते नहीं है। हमारे पैर हैं तो हम घर आ गए हैं, अपने पैरों से नहीं स्कूटी के पैरों से। और आज ब्लॉग का फिलहाल यहाँ पर अंत होता है, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। भैया थोड़े थोड़े और मैं थोड़ा थोड़ा खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ठीक है गाइस, गुड बाय, टेक केयर।